मत रखिए माइंड पे हाथ, आ गए हैं नए टॉपिक के साथ। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विशाल, आप सब देखना है एक्स्ट्रा माइंड रखे यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम तीन पॉइंट पे बात करने वाले हैं। तो पहला नंबर पॉइंट है कि आखिर टिकटॉक आईडी फ्रीज होना इसका मतलब क्या होता है। जी हाँ, लोग कहते हैं कि आपका टिकटॉक आईडी फ्रीज हो गया, तो आखिर इसका मतलब क्या होता है, तो इसको हम पूरा डिटेल्स में जानेंगे। तो दूसरा नंबर पॉइंट है कि टिकटॉक आईडी कब फ्रीज होता है, यानी टिकटॉक आईडी कब पता चलेगा कि आपका फ्रीज हो गया है, तो ये दूसरा नंबर पॉइंट है। तीसरा नंबर जो पॉइंट है कि टिकटॉक आईडी फ्रीज हो जाने पर उसका सोल्यूशन क्या है। जी हाँ, तीसरा नंबर यही पॉइंट है कि टिकटॉक आईडी फ्रीज हो जाने पर उसका सोल्यूशन यानी समाधान यानी समस्या हुआ कैसे दूर होगा। तो इस वीडियो में इस तीनों टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि आप इस चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। पे यानी तीनों पॉइंट पे तो बात करेंगे ही। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आप लोगों इससे पहले बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें आप सबको ये बताया गया होगा कि ऐसे कीजिए वैसे कीजिए आपका टिकटॉक आईडी फ्रीज से अनफ्रीज हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर देखिएगा अंत तक, क्योंकि एक हम आपको इस वीडियो में सजेशन देने वाले हैं जिससे आपका टिकटॉक आईडी जरूर ग्रो करेगा। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट था कि आखिर टिकटॉक आईडी जो है फ्रीज होना इसका मतलब क्या होता है। बढ़िया से समझ लीजिएगा, ऐसा आपको अभी तक कोई नहीं समझाया होगा। तो जान लीजिए इसका मतलब क्या होता है, यानी टिकटॉक आईडी का फ्रीज हो जाना इसका मतलब है कि मान लीजिए आपके घर में फ्रीज है, यदि फ्रीज में आप कोई भी सामान रखते हैं तो उस क्या होता है, यदि मान लीजिए वाटर रखते हैं यानी पानी रखते हैं, यदि फ्रीज में आप पानी को रखेंगे तो क्या होगा, वह जम जाएगा। वैसे ही आपके टिकटॉक आईडी पे होता है, यदि आप जब टिकटॉक अपने आईडी पे डालते हैं कोई भी वीडियोज तो क्या होता है, जब फ्रीज बन जाता है आपका टिकटॉक आईडी तो उसमें यदि कोई भी डालेंगे वीडियोज तो क्या होगा, जम जाएगा, यानी अधिक लोगों के पास नहीं जाएगा। तो यही होता है टिकटॉक आईडी का फ्रीज हो जाना। तो यही था पहला नंबर पॉइंट। तो अब पॉइंट है कि टिकटॉक आईडी फ्रीज कब होता है। जी हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसको भी बारीकी से समझिएगा बहुत ही ध्यान से, क्योंकि हम बता रहे हैं आपको अभी तक कोई नहीं समझाया होगा ऐसे बेहतरीन तरीके से। तो जान लीजिए टिकटॉक आईडी फ्रीज कब होता है। मान लीजिए आप जब टिकटॉक आईडी पे मतलब एप्लीकेशन पे अपना आईडी बनाते हैं और डाल लीजिए वहां पे जब अपना 10, 20, 100, 200 वीडियोज अपलोड करते हैं, उसमें से आपका एक भी वीडियोज वायरल नहीं होता है, नहीं अधिक लाइक आते हैं, तो इससे आप क्या समझते हैं कि हमारा कुछ नहीं होने वाला है और आप क्या करते हैं, वीडियोज बनाना छोड़ देते हैं, 1-2 हफ्ते, 20 दिन, 40 दिन ऐसे छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है, वह टिकटॉक समझता है कि आपने मतलब ये बंदा काम करना यहाँ छोड़ दिया है, तो इसके आईडी को फ्रीज कर दिया जाए, यानी यह जब काम ही नहीं कर रहा है तो इसके आईडी जो है उसको फ्रीज कर दिया जाए। तो यही होता है टिकटॉक आईडी फ्रीज, ऐसे ही होता है टिकटॉक आईडी फ्रीज। इसलिए आपको निरंतर काम करते रहना चाहिए अपने टिकटॉक एप्लीकेशन या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट हो। तो ये तो बात हो गया, अब जान लीजिए इसका सॉल्यूशन क्या है। जी हाँ, तीसरा नंबर जो पॉइंट है कि टिकटॉक आईडी जब फ्रीज हो जाएगा तो इसका सॉल्यूशन क्या है, आखिर इसका सॉल्यूशन क्या किया जाए कि यह फ्रीज से अनफ्रीज हो जाए। तो बहुत लोगों ने आप सबको ये बताया होगा कि रिपोर्ट कीजिए, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, ऐसे आपका टिकटॉक आईडी अनफ्रीज हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरी यदि बात आप मानेंगे तो मेरा सबसे अच्छा सजेशन होगा कि आप क्या कीजिए, उसका सोल्यूशन एक ही है, यदि आप फीडबैक भी देते हैं तो कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए उस मतलब जो आईडी बनाए हैं उसको छोड़ दीजिए, न्यू नंबर से एक और आईडी क्रिएट कीजिए, और जब अपना न्यू आईडी क्रिएट करेंगे तो अब आप सोचेंगे क्या कि ये न्यू आईडी क्रिएट करने पर व्यूज ही नहीं आएंगे, तो जान लीजिए व्यूज तो नहीं आएंगे, ये तो सही बात है शुरू शुरू में, लेकिन आप जब 10 दिन 20 दिन 30 दिन 40 दिन लगातार जब काम कीजिएगा तो आपके
ऑटोमेटिक व्यूज आने लगेंगे, लेकिन आपको निरंतर काम करना होगा, लगातार काम करना होगा, तभी आपके व्यूज और लाइक्स और फॉलोअर्स, जब लाइक आएंगे तो व्यूज आएंगे, मतलब व्यूज आएंगे तो लाइक आएंगे, लाइक आएंगे तो फॉलोअर्स बढ़ेंगे, ये तो मामूली सा बात है। और जरूर ऐसे आपका अनफ्रीज हो जाएगा, यानी इसका कोई सोल्यूशन नहीं है फ्रीज हो जाने पर, यही एक उपाय है कि आप उस आईडी को छोड़ दीजिए और दूसरा आईडी बनाइए और बढ़िया बढ़िया वीडियोज डालिए और आपका वो आईडी जरूर आगे भागेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो आशा करता हूँ कि आप सबको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।